दीपावली के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की कार्यवाही, खारा औद्योगिक क्षेत्र में 320 किलो खींचे नष्ट करवाए। देश भर में दीपावली पर्व को लेकर चारों ओर तैयारियां जोरों पर है, और दीपोत्सव की बात हो और उसमें मिठाई और पकवानों की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसे में इन दिनों मिठाई और पकवान बनाने के लिए घी, दूध, मावा की डिमांड काफी बढ़ जाती है। लेकिन इस दौरान कुछ लालची मुनाफेखोर अपने थोड़े से लालच के चक्कर में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हुए नकली घी, दूध और मावा भी असली प्रोडक्ट की आड़ में मार्केट में खपा देते हैं। हालांकि इसे रोकने के लिए बीकानेर में हेल्थ डिपार्टमेंट फूड प्रोडक्ट की शुद्धता को लेकर काफी सख्त नजर आ रहा है। दीपावली के त्योहार के मद्देनजर राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम शुद्ध आहार मिलावट पर वार के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा बीकानेर में ताबड़तोड़ कार्यवाही की गई है। नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर इंडिया। बीकानेर 22 अक्टूबर दीपावली के त्योहार के मद्देनजर राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम शुद्ध आहार मिलावट पर वार के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार को भी कार्यवाही की गई। खारा औद्योगिक क्षेत्र में 320 किलो खींचे नष्ट करवाए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि के निर्देश अनुसार खाद्य सुरक्षा दल द्वारा खारा औद्योगिक क्षेत्र में मैसर्स मरुधर फूड प्रोडक्ट पर निरीक्षण एवं नमूनीकरण की कार्यवाही की गई। मौके पर 20 प्लास्टिक के कट्टों में लगभग 320 किलो पुराने खराब खींचे को ऊपर से मिट्टी मिलाकर जनहित में नष्ट करवाया गया। इसके अतिरिक्त एसडीएम बज्जू श्री महावीर सिंह जोधा के साथ ग्रामीण क्षेत्र बज्जू ने संयुक्त कार्यवाही की गई। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि बज्जू के निरीक्षण में नामुनीकरण किया। यहां फर्म मासती जोधपुर, बीकानेर स्वीट्स एंड नमकीन, मैसर्स ग्रामीण मसाला, श्रुति दूध डेयरी एवं विष्णु मिष्ठान भंडार से काजू कतली, गुलाब जामुन, नारियल बर्फी, चमचम, कलाकंद, चाय पत्ती, धनिया पाउडर, बेसन चक्की, खींचे के कुल 12 नमूने लिए गए। इसके अलावा 60 लीटर रिफाइंड सोयाबीन तेल नष्ट करवाया गया। यह कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिकारी भानु प्रताप सिंह, श्रवण कुमार वर्मा, राकेश गोदार तथा सुरेंद्र कुमार द्वारा की गई। लिए गए नमूनों को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा, जिसके परिणाम अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।